सभी को नमस्कार। मेरा नाम कोटापल्ली बलनन सैया है। मैं वारंगल ज़िले के बचनापेट मंडल के चिन्ना रामचरला गांव का निवासी हूँ। मैं अपने खेतों पर पिछले 6-7 सालों से बिना कीटनाशक प्रबंधन तकनीक का उपयोग कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? 5 दिन पहले मैंने यहाँ अजोला रखा था। अभी मैं देख रहा हूँ कि वह कितना बड़ा है। अभी थोड़ा सा निकला है। उसे पूरी तरह बढ़ने के लिए अभी 4 दिन और लगेंगे। जब एक बार वह पूरी तरह बढ़ जाएगा तब मैं उसे खेत में डाल दूँगा। इस अजोला का क्या उपयोग है? यह धान के खेतों को 70% तक नाइट्रोजन प्रदान करता है, जो कि 20 से 25 किलो यूरिया के बराबर काम करती है। इससे हम यूरिया के उपयोग को कम कर सकते हैं और कुछ पैसा भी बचा सकते हैं। इसका दूसरा उपयोग यह है कि हम इसे मवेशियों को चारे के रूप में खिला भी सकते हैं। इससे मवेशी ज़्यादा दूध देते हैं और यह उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। 15 दिनों के बाद यह पूरी तरह से बढ़ जाएगा। क्या आपने पहले भी खेती में इसका उपयोग किया है? मैंने पहले भी इसे एक खेत में डाल चुका हूँ। क्या यह बढ़ रहा है? हाँ, यह इस पूरे घेरे में फैलेगा। कनकैया, यह सूख नहीं रहा है, यह बढ़ रहा है तथा यह और फैलेगा। यदि एक मुट्ठी अजोला डालोगे तो यह बहुत हो जाएगा। क्या यह हरा होगा? हाँ, अंकुरण के पश्चात यह हरा हो जाएगा 15 दिनों के बाद। यह तो बहुत अच्छे से बड़ा है। पिछली बार यह कुछ लाल एवं सूखा हुआ था, अब यह हरा हो गया है। यह अच्छा आया है धान की खेती में डालने पर और बढ़ेगा। यदि हम 10 किलो अजोला 1 एकड़ धान के खेत में लगाते हैं तो यह पूरे खेत में फैल जाएगा और इस तरह दिखेगा। क्या यह खेत में भी बढ़ेगा? हाँ, यह खेत में भी बढ़ता है। इसे खेत में छिड़कने के 15-20 दिन बाद देखने पर आपका खेत इस तरह से हरा भरा दिखेगा। अजोला के उपयोग की प्रक्रिया। क्या आपने पहले भी इसका छिड़काव किया है? हाँ, मैंने अपने एक खेत में इसका छिड़काव किया है और दूसरे खेत में इसे ले जाने के लिए यह बाल्टी लेकर आया हूँ। पहले आपने इसे कहाँ छिड़का है? मैंने पहले अपने पास ही के खेत में इसका छिड़काव किया है और अब दूसरे खेत के लिए ले जा रहा हूँ। अजोला छिड़कने की प्रक्रिया। क्या यह इस तरह से थोड़ा थोड़ा छिड़कने से पूरे खेत में फैल जाएगा? हाँ, यह थोड़ा सा डालने से ही पूरे खेत में फैल जाएगा। यह काफ़ी है। ज़्यादा छिड़कने से यह ज़्यादा फैल कर धान की खेती को ख़राब कर देगा। अजोला छिड़कने के 20 दिन बाद। कनकैया, हमने 20 दिन पहले अजोला का छिड़काव किया था। देखो अभी यह कैसा फैल गया है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। यह देखो, यह कितनी अच्छी तरह से बढ़ गया है। यह यूरिया के उपयोग को कम करता है और ज़मीन को गीला रखता है। इस तरह फैलकर यह ज़मीन को सूरज की रोशनी से बचाता है और उसमें नमी बनाए रखने में सहायता करता है। यदि 15 दिन तक भी पानी नहीं दिया जाए तो भी यह ज़मीन को गीला बनाए रखता है। यह घना और हरा होता है। क्या यह खेत बिना यूरिया के छिड़काव के इतना हरा हो गया है? मैंने इस खेत में यूरिया का छिड़काव नहीं किया है। अजोला का उपयोग करके मैंने लगभग 1,400 रुपये की बचत की है। यदि मैं इसका उपयोग नहीं करता तो मुझे लगभग 1,000 रुपये खेत की निंदाई के लिए एवं 400 रुपये यूरिया खाद के लिए खर्च करना पड़ता। कृपया मुझे थोड़ा सा अजोला दे दीजिए। लीजिए और इसे अपने खेत पर लगाइए। हमें अजोला के उपयोग एवं इसकी तैयारी के बारे में बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कनकैया। संदेश। मैं अपने खेतों पर पिछले 2-3 सालों से अजोला का उपयोग कर रहा हूँ। इससे खेती की लागत में कमी आई है। आप सभी का मेरे खेत में स्वागत है। धन्यवाद।